वणक्कम स्वागतम केम छो कसकाय नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी उपप्रधानाचार्य महोदय महोदया निरीक्षकगण शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्र यहाँ उपस्थित आप सभी का आज की प्रार्थना सभा में मैं दृष्टि और मैं जाना स्वागत करते हैं। क्या बात है आज बहुभाषी हो रही है? हाँ वह इसलिए कि आज 21 फरवरी है, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। ओहो तो ये बात है, दिन की शुरुआत इस प्रेरणादायी सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार लेकर आ रहा है कक्षा 6 अ का छात्र विवान। सुप्रभात, आज का सुविचार है कुछ इस तरह। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफल तस्य जीवन। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, जिसका काम परिश्रम से भरा हो, जिसके धन दान करने में प्रयोग हो, उसका जीवन सफल होता है। धन्यवाद। सत्य बोधक सुविचार के लिए धन्यवाद। देश विदेश की खबरों से अवगत कराने हेतु आपके समक्ष उपस्थित है कक्षा 7 अ की छात्रा प्रेरणा। This news headlines are as follow. Number 1, Congress 19,000 worker vaccine for Uttar Pradesh. Second, BJP worker Krishna Yadav shot dead in UP. Third, Mumbai logged 0 COVID-19 death. Fourth, India won 30-20 by 17 runs. Fifth, today's weather is 21 degree to 32 degrees Celsius. Thank you. Thank કવિતા એ લાગણીઓનો સતત અવિરત વહેતો પ્રવાહ છે, તો ગુજરાતી કવિતા લઈને તમારી સમક્ષ આવી રહી છે ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થી આસ્થા। સુપ્રભાત, મારું નામ આસ્થા છે, હું ધોરણ 7માં ભણું છું। મારી કવિતાનું શીર્ષક છે ભાષા મારી ગુજરાતી। માતા છે ગુજરાતની ધરતી, વતનની એ માટી છે। માતા છે ગુજરાતની ધરતી, વતનની એ માટી છે। એ માટીમાં મૂળ છે મારા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે, ભાષા મારી ગુજરાતી છે। આપણે ને સાચવી જાણીએ, આપણને સાચવતીએ, આપણે ને સાચવી જાણીએ, આપણને સાચવતીએ। ધૂળ નથી છે કોળા પણ, ભાષા મારી ગુજરાતી છે, ભાષા મારી ગુજરાતી છે। હા મીઠા બોલા ગુજરાતી અમે, હો મીઠા બોલા ગુજરાતી અમે, થોડા માં કહી દઈએ ઘણું, ભૂલ ચૂક છે લેવી દેવી, ભૂલું ત્યાંથી ફરી ઘણું, ભૂલું ત્યાંથી ફરી ઘણું। અરે આવે કોઈ તો આવો કહીએ, આવે કોઈ તો આવો કહીએ, આવજો જ્યારે થાય વિદાય, નામની પાછળ ભાઈ ને બહેન માન દઈને બોલાવાય। સંબોધનમાં સ્નેહ છલક તો, સંબોધનમાં સ્નેહ છલક તો, ભેદ ભર્યું હર ખાતી આપણા ગાંધી બાપુની ભાષા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે, ભાષા મારી ગુજરાતી છે। બાર ગાઓએ બોલી બદલે, હો બાર ગાઓએ બોલી બદલે, રૂપ અનોખા ગણતી, કોને પડે નકાર જમાથે, કમળ રૂડા કરતી, કમળ રૂડા કરતી। હરખ ગેલા ગુજરાતીના, હરખ ગેલા ગુજરાતીના, હૈયામાં હર ખાતી, મીઠડા માડું મીઠડી ભાષા, મધ મીઠું મલકાતી, અષાઢી ધન ગર્જ કરતી, ઝીણું ઝીણું ઝર મરતી, ગરવા ગુજરાતની ભાષા, ભાષા મારી ગુજરાતી છે, ભાષા મારી ગુજરાતી છે। આભાર। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन के हर चीज के लिए उड़ान देता है। संगीत की सुरावली लेकर आपके सामने उपस्थित है जसवंत सर और उनका गायक वृंद। Thank you.
હાલ Thank you.
से, आए हैं हम दूर दूर से, भारत के हर परिवार से, मातृभाषा है जरूरी, सुनो समझो ध्यान से, सुनो समझो ध्यान से, सुनो समझो ध्यान से, माँ से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा है, भाषा मातृभाषा है, भाषा मातृभाषा है, भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति की साधन है, अभिव्यक्ति का साधन है, अभिव्यक्ति का साधन है, निज भाषा बिन हृदय की पीड़ी निर्मूल है, हृदय की पीड़ी निर्मूल है, अब तो नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, मातृभाषा में ही होनी चाहिए, मातृभाषा सामाजिक एवं संस्कृति की पहचान है, संस्कृति की पहचान है, संस्कृति की पहचान है, तो आइए देखिए बहुभाषा सोसाइटी का नजारा। अरे रामजी भाई, ये बोर्ड पर क्या लिखा है, जरा पढ़कर सुनाओ। आज 21 फरवरी है, मातृभाषा दिवस है, इसलिए यह सुविचार लिखा है कि मातृभाषा के नष्ट होने से संस्कृति भी नष्ट होती है। आप हिंदी पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते? मैंने, मुझे हिंदी कठिन लगता है और पढ़ने के लिए समय कहाँ रामजी भाई। लेकिन रामजी भाई, तमिल ना उलगतिन मिग पढ़मयान होली अदु सेम्मोली आगुम। ये सुविचार भी रामजी भाई तमिल में ही होना चाहिए। नहीं नहीं, अमार भाषा रसगुल्ला मोटो मिस्टी की बोलो तो विचार था बांग्लादेश हो, विचार तो बांग्ला में ही होना चाहिए। अरे अरे, तुसी की बोलने जा रहे हो, मैंने भी तो बोलने दो, यह सुविचार पंजाबी विच होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सुविचार गुजराती में होना चाहिए, मने मारी गुजराती पर गर्व चाहिए। नहीं नहीं, ये सुविचार मराठी में ही होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सुविचार मारवाड़ी में होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सुविचार भोजपुरी में होना चाहिए। अरे अरे, आप आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमें तो स्कूल में पढ़ाया है कि भारत एक बहुभाषी देश है, ये तो आप सभी ने भी अपने स्कूल में पढ़ा होगा ना। सब भाषाओं का अपना अलग महत्व है, व्याकरण है और उनकी संस्कृति और सभ्यता भी उसके साथ जुड़ी हुई है। ये सभी भाषाएं हिंदुस्तान की शान है, अतः हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये हुई ना बात, अब से आप झगड़ा तो नहीं करोगे? हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में भेजे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नमस्कार, सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य महोदय, महोदया, गुणी शिक्षक एवं भारत के भावी कर्णधार, मेरे प्यारे छात्र, मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत चार पंक्तियों से करना चाहती हूँ। जब दिल होता है भावुक, जब दिल होता है भावुक और जवान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है। इस दिन इसका इतिहास रहा है, वर्ष 1992 में ढाका के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 21 फरवरी को एक आंदोलन किया गया था, जिसमें युवा छात्रों के सहित
होने से यूनेस्को ने वर्ष 1999 में इस दिवस को मातृभाषा के दिवस में मनाने की घोषणा की। इस दिवस को वर्ष 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में मनाया गया था। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि हम अपने मन की बात और जटिल भावनाओं को विश्व प्रचलित भाषा में क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं अपनी भाषा गुजराती में कि लड़ता लड़ता गांधी जी रंगमा आवी गया, अने बीजू वाक्य चालता चालता तड़ाव आवी। आ बे वाक्य नु अंग्रेजी करो तो शू एवं थसे फाइट फाइट गांधी जी केम इन कलर, वॉक वॉक लेग कम, तो आवी रीते तो नहीं ज थई सके। અને આના થકી તમે બીજા સામેની વ્યક્તિ પર કોઈ પ્રભાવ પાડી ના શકો। તો ઇસ બાત કો મે ચાર પંક્તિઓ દ્વારા કહેના ચાહુંગી કે હકીકત છિપ નહીં સકતી, હકીકત છિપ નહીં સકતી બનાવટ કે અસૂલો સે, કે ખુશ્બુ આ નહીં સકતી કભી કાગજ કે ફૂલો સે।